Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope everyone of you is fine. आई एम हेयर विद इन अदर लेक्चर माई लेक्चर नंबर इज़ वन थर्टी फाइव फॉर इंटर पार्ट वन जिसमें मैं यूनिट नंबर फाइव अटोमिक स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड नाउ अड एज़ वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेक्ट्रम अपने प्रीवियस फ्यू लेक्चर है मैंने आपको स्पेक्ट्रम के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया अलॉन्ग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम और उसके अलावा अटोमिक स्पेक्ट्रम को जो दो मैथड्स हैं ऑब्जर्व करने के उसके बारे में मैंने आपको बताया था सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज़ दैट इज़ अबाउट दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है किस तरह से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये इसके बारे में अगर हम इंट्रोडक्शन लेते चलें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ अटामिक स्पेक्ट्रम यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम या अटामिक स्पेक्ट्रम की एक एग्ज़ैम्पल है जैसे कि मैंने आपको कंटीन्यूस स्पेक्ट्रम की एक एग्ज़ाम्पल दी थी दैट वॉज रेमबो देट वॉज ए विजिबल पोर्शन वो आप इजिल ऑब्जर्व कर सकते हैं कॉमन डेली लाइफ में भी नाव वी आर गोइंग टू स्टडी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की मदद से हम फर्दर मजीद अटामिक स्पेक्ट्रम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि यह होता क्या है इसकी क्या डिफरेंट करेक्ट्रिस्टिक्स हैं कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है सो टॉपिंग टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये हमने क्यों चूज़ किया है बिकॉज हाइड्रोजन जो है uh, पहले तो हम थोड़ा सा प्रोसीजर पढ़ते हैं कि किस तरह से हम इस स्पेक्ट्रम को क्रिएट कर सकते हैं तो व्हाट वी टेक इज हाइड्रोजन गैस वी टेक इट वी फिल इट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब आप इसको डिस्चार्ज ट्यूब में फिलअप कर दें दैट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और फिलअप करने के बाद आप उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा लो कर दें देन यू विल सी कि जब आप प्रेशर बहुत ज़्यादा लो करेंगे तो एक ब्लूइश लाइट ब्लू कलर की लाइट आपको एमिट होती हुई दिखेगी रिलीज़ होती हुई दिखेगी फ्रॉम दिस डिस्चार्ज ट्यूब जिसके अंदर आपने हाइड्रोजन गैस को फ़िलअप किया था इस ब्लू लाइट को अगर हम लेते हैं इसको स्टडी करते हैं इसको स्पेक्ट्रम इसको ऑब्जर्व करते हैं यानी स्पेक्ट्रोमीटर के अंडर इसको स्टडी करते हैं तो इट विल गिव गिव सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइंस इट विल गिव जो इसका स्पेक्ट्रम है इट विल गिव शार्प लाइंस दैट आर आइसोलेटेड यानी कि दे आर डिफरेंट दे आर एट अ डिस्टेंस फ्राम ईच अदर हम इनको ईजिली आइसोलेट कर सकते हैं एक दूसरे से दूर कर सकते हैं एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं सो दिस वॉज दिस इज अ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट इन द डिटेल इसके लिए हमने करना क्या है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जब स्टडी करना है यू टेक प्योर हाइड्रोजन गैस आप उसको गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिलअप करें प्रेशर बहुत ज़्यादा लो कर दें तो आपको ब्लूइश लाइट रिलीज होती हुई दिखेगी तो उस लाइट को जब आप स्पेक्ट्रोमीटर दैट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्जर्व द स्पेक्ट्रम टू ऑब्जर्व द लाइट टू स्टडी द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट स्पेक्ट्रोमीटर आप इसके अंडर स्टडी करें द ब्लूइश लाइट दैट इज़ रिलीज फ्रॉम द हाइड्रोजन so you will see there are several isolated sharp lines that are formed in lines ko ye spectrum ke these lines are called as spectral lines जो स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट लाइंस बने उनको हम स्पेक्ट्रल लाइंस का नाम देते हैं जो आ, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जब इनका वेवलेंथ को स्टडी किया गया तो इनकी वेवलेंथ जो है दे फेल इन द कैटेगरी ऑफ दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ विजिबल लाइट दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ़ अल्ट्रा वायोलेट रीजन एंड इम्फ्रा रीजन यानी कि ये जो हाइड्रोजन की ब्लूइश लाइट थी जब उसको स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए स्टडी कर रहे हैं उसका स्पेक्ट्रम देख रहे हैं और उसके बाद उसकी वेवलेंथ को जब स्टडी कर रहे हैं तो हमने देखा कि इसकी वेवलन जो है थ्री डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करती थी फर्स्ट वन वाज विजिबल लाइट सेकेंड वन वाज अल्ट्रा रीजन थर्ड वन वाज इन्फ्रा रीजन तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं दे कैन बे क्लासिफाइड इनटू फाइव ग्रुप्स जिनको हम स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम देते हैं इनको फाइव आगे डिफरेंट ग्रुप्स में हम लोग कर सकते हैं और उस ग्रुप के हिसाब से हमने उनके डिस्कवरर्स के हिसाब से उन ग्रुप्स के नेम रखे हैं सो लेट अस सी अबाउट द डिस्कवरर्स ऑफ दीज डिफरेंट ग्रुप्स जिसमें हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रल हैं दे फॉल या दे बिलोंग टू दीज डिफरेंट ग्रुप्स फर्स्ट वन इज अल्ट्रा वायलेट रीजन जिसे हम लोग ले मैन सीरीज़ कहते हैं लाइमन या फिर ले मैन ये अल्ट्रा वायलेट सीरीज़ है लाइमन ने इनको डिस्कवर किया था सेकेंड वन इज़ बाल्मर सीरीज़ बालमर सीरीज़ में बालमर ने डिस्कवर किया था इन सीरीज़ को इनको स्टडी किया था दे फॉल इन विजिबल पोर्शन ऑफ लाइट बालमर के बाद हमारे पास आते हैं पास्कन सीरीज़ they fall under the category of lr region uske we have bracket series they fall in the region of ultraviolet infrared radiations uske alawa fund series hain. they also fall under the category of infrared region तो ये जो फर्स्ट फोर सीरीज़ हैं यानी कि लाइमन सीरीज़ हैं बालमर पासकिन एंड ब्रैकेट सीरीज़ दे वर डिस्कवर्ड बिफोर बोहर्स अटोमिक मॉडल बोहर ने अपना अटामिक मॉडल पेश किया था इन द ईयर ऑफ 1913 सन उन्नीस में बोहर ने अपना अटामिक मॉडल पेश किया था और उनके अटामिक मॉडल पेश करने से पहले पहले ये फोर डिफरेंट सीरीज़ जो हैं वो डिस्कवर हो चुकी हुई थी अल्ट्राइलेट विजिबल की यानी लाइमन बालमर पासकिन और ब्रैकेट की तो जो वेव नंबर्स हैं जिसे हम लोग एम माइनस वन भी कहते हैं सीरीज़ का ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दे आर गिवन इन द टेबल नंबर फाइव पॉइंट टू यू कैन सी इट इन योर बुक अगर हम इस टेबल को ऑब्जर्व करें तो उससे हमें यह देखने को मिलता है कि व्हेन वी प्रोसीड फ्रॉम लाइमन सीरीज टू फंड सीरीज यानी फर्स्ट सीरीज से हम होते हैं सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सीरीज तक आते हैं जो वेव नंबर है जिसे हम लोग एम माइनस वन वेव नंबर यू मस्ट रिमेंबर इट दिस इज इंडिकेटेड बाय एम माइनस वन स्पेक्ट्रल uh, लाइन का डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम सीरीज़ में फ़र्दर मूव करते जाते हैं फ्रॉम लाइमन देन बालमर देन पासकन दैन ब्रैकेट फंड तो उस जैसे जैसे हम फर्दर मूव कर रहे हैं वेव नंबर डिक्रीज़ होता जा रहा है तो द लाइंस ऑफ बालमर सीरीज़ हैव बीन गिवन स्पेसिफिक नेम जैसे कि एच अल्फ़ा एच बीटा एच गैमा इस तरह से बालमर सीरीज़ की जो डिफरेंट लाइन्स हैं उनको नाम दिया गया है यू कैन हैव अ लुक एट द वेव नंबर्स ऑफ़ वेरियस सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जैसे कि लाइमन सीरीज हैं उसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं फ्रॉम यू कैन लुक फ्रॉम हेयर बालमर सीरीज में हमारे पास एट एटी टू पॉइंट टू जीरो माइनस फाइव हैं फिर अगर लाइमन सीरीज़ में फर्दर अगर बालमन में जाएँ तो उसमें फिफ्टीन पॉइंट टू वन इंटू टू रेस पावर माइनस टेंट टू रेस पावर फाइव हैं देन आगे पास्कन सीरीज़ हैं देन आगे ब्रैकेट सीरीज़ हैं फंड सीरीज़ हैं तो ये सारी डिफरेंट सीरीज़ हैं बालमन सीरीज़ जो कि विजिबल रीजन है इसको आगे फर्दर डिफरेंट लाइंस में आ, फर्दर डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं जिसमें एच अल्फ़ा एच बीटा एच गैमा वगैरह नाम दिए गए हैं इनको तो यहाँ तक जितनी भी बात हुई है इन डिफरेंट स्पेक्ट्रम की जिसमें हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं यहाँ तक बात हुई है विदाउट कंसिडरिंग द बोहर्स मॉडल क्योंकि ये सारे जो हैं सीरीज एक्सेप्ट द फंड सीरीज दे वर डिस्कवर्ड बिफोर द बोहर्स एटॉमिक मॉडल नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ़ बोहर्स मॉडल बोहर्स मॉडल को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बात करें तो उसके बारे में अब क्या फर्दर इसके अंदर हम लोग चेंजेस लेके आ सकते हैं क्या फर्दर पॉइंट्स को ऐड करके इसको मज़दीद अंडरस्टेंडेबल बनाया जा सकता है सो नो लेटस हैव अ लुक ऑन द बेस ऑफ़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स मॉडल सो अकॉर्डिंग टू बोहर बोहर के मुताबिक क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है इन हाइड्रोजन आइटम इट कैन रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट डिपेंडिंग अपॉन इट्स इनर्जी हमें ये तो पता है कि अगर हम हाइड्रोजन के आइटम की बात करें तो हाइड्रोजन हैव वन इलेक्ट्रॉन दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड इट्स न्यूक्लियस पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन वन है पर हाइड्रोजन के फिर भी शेल्स डिफरेंट हैं देर मे बी मोर देन वन शेल देर मे बी मैनी डिफरेंट शेल दैट आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्स ऑफ द हाइड्रोजन आइटम अब ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर डिपेंड करता है इट कैन रोटे रिवॉल्व एट वन टाइम इन ओनली वन शेल और यह उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी पर डिपेंड करता है उसकी इनर्जी किस तरह की है उस हिसाब से वो उस शेल को चूज़ करेगा अपनी एनर्जी के हिसाब से अगर इसकी एनर्जी लो है तो इट विल चूज दिस लोअर शेल इनर्जी हाई है तो इट विल चूज़ अ हायर शेल सो इट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के वो किस तरह के शेल में कौन से नंबर की शेल में रिवॉल्व कर रहा है रोटेट कर रहा है सो so जब हम लोग ये हाइड्रोजन गैस लेते हैं नॉर्मल सुरत में देखें उसका इलेक्ट्रॉन अपने शेल में रिवॉल्व कर अपने ऑर्बिट में प्रेजेंट है उधर रिवॉल्व कर रहे हैं विदाउट एमिटिंग एन एनर्जी विदाउट अब्जॉर्बिंग एन एनर्जी बट वन वी हीट अप द गैस जब हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं उसको या तो आप हीट अप कर लें हीट करने से प्रोवाइड क्या होता है कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है या फिर दूसरा मैथड क्या है कि आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से इस गैस को गुजारें तब भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में चेंजेस आते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है फ्रॉम वन लो ऑफ द लोअर ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट जाहिर सी बात है जब आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से गुजार रहे हैं तो इट इज़ अ मेथड ऑफ़ गिविंग द इलेक्ट्रॉन सम एनर्जी हीट से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी इंक्रीज हुई तो ऑब्वियसली इट विल गो एनर्ज इन टू द हायर ऑर्बिट अपनी एनर्जी के हिसाब से ये लोअर ऑर्बिट है यहां पे सिर्फ लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ पे हायर एनर्जी के ऑर्बिट ने इलेक्ट्रॉन्स नहीं एग्जिस्ट कर सकते तो इलेक्ट्रॉन ने चूंकि आप कुछ एनर्जी को गेन कर लिया वाइल हीटिंग या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अब वो इस लोअर एनर्जी ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता इट विल मूव टू तो सम हायर ऑर्बिट अपनी एनर्जी के हिसाब से वो एक हायर ऑर्बिट को चूज़ करेगा वहाँ पर मूव कर लेगा और वहाँ पर जाकर रिवॉल्व करना शुरू कर देगा सो ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस जब यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ तो इट मूव बाई एब्जॉर्बिंग सम एनर्जी सम पर्टुलर वेव लेंथ ऑफ एनर्जी विदाउट एब्जॉर्बिंग इट कुड नॉट मूव फ्राम हेयर टू हेयर सब्सिक्वेंटली जब आप फर्दर आप हीटअप कर दिया आपने छोड़ दिया इलेक्ट्रॉन को जब नहीं मजीद हीट मिली नहीं मजीद एनर्जी मिली इट विल अगेन लूज सम ऑफ दिस एनर्जी इट विल अगेन कम टू दिस लोअर ऑर्बिट तो इस दौरान कुछ एनर्जी कुछ एनर्जी की वेवलेंथ इसने रिलीज़ की थी सो so, इस एनर्जी को जब हम स्टडी करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन ने पहले अपने अंदर ऑब्जॉर्ब की फिर उसको रिलीज़ किया इस एज अ रेडिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है अगर हम इसको स्टडी करें तो इसका स्पेक्ट्रम बनाएं वी विल सी कि जब उसने रिलीज़ की थी एनर्जी तो वो ब्राइट लाइट के तौर पे आपको देखने को मिलेगा इन सर्टेन रीजन ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन गैस इसी तरह ऑब्जॉब्शन स्पेक्ट्रम में देखेंगे यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको डार्क लाइन के तौर पर देखने को मिलेगा तो अगर यहाँ पे हम लोग लाइमन सीरीज़ को यूज़ करते हैं तो दिट्रिक द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज दे आर द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एंड टू यानी कि जब इलेक्ट्रॉन टू सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ या उससे हायर ऑर्बिट पर चला जाए तो तब आपको ये लाइमन सीरीज जो है देखने को मिलती हैं सो so, यहाँ पर क्या है के ये सीरीज़ का जो रीज़न थी लाइमन ने तो इनको डिटेक्ट किया इनको स्टडी किया बट ही डिड नॉट नो द रीज़न बिहाइंड दिस सीरीज़ कि क्यों ये जो है ये स्पेक्ट्रल लाइन इस तरह की बन रही है वो तो अब हमें पता है बोहर्स के एटॉमिक मॉडल को अगर बेसिस के तौर पे रखें तो हमें ये पता चला है कि जब इलेक्ट्रॉन एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में गया और वापस जब एनर्जी रिलीज करके लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो वापसी के लिए उसको कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है तो वो एनर्जी जो है जब हम उसको स्पेक्ट्रम में स्टडी करें आपको ब्राइट लाइंस के तौर पे देखने को मिलेगी लाइमन ने देखा था इन लाइंस को बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन कि व्हाट वाज द रीज़न कि ये लाइंस ब्राइट कलर में आ रही हैं तो इसमें क्या था इलेक्ट्रॉन जम्प करता है फ्रॉम एन टू टू सेकेंड थर्ड फोर्थ या फिफ्थ ऑर्बिट पर आ गया या सो तो ऑन सिमिलरली अगर हम बालमर सीरीज को देखें जो कि डिस्कवर हुई थी एटीन ईयर में दिस वॉज ऑल्सो बिफोर दैट ऑफ बोहर मॉडल जो कि नाइनटीन थर्टीन था तो वहाँ पर भी जब इलेक्ट्रॉन जम्प करता है फ्राम हायर ऑर्बिट जम्प फ्राम द हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट तो तब भी देखी गई थी ये बालमर सीरीज इसी तरह पास्कन सीरीज़ हैं ब्रैकेट सीरीज है फंड सीरीज़ हैं दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन फ्राम हायर ऑर्बिट्स टू थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑर्बिट्स यानी कि अगर हम पहले बात करते हैं लाइमन सीरीज की तो जब इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट सारे शेल्स हैं जब किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आए एन वन में पहुँचे किसी भी सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सो वन हंड्रेड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन हमेशा जंप करे फर्स्ट ऑर्बिट में तो उसे हम लाइमन सीरीज का नाम देते हैं जब किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन दोबारा जंप करता है सेकेंड ऑर्बिट में इसे हम बालमर सीरीज का नाम देते हैं जब किसी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जम्प करता है थर्ड ऑर्बिट में इसे हम पास्कन सीरीज का नाम देते हैं जब हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में जम्प करें इसे हम ब्रैकेट सीरीज़ और फिफ्थ ऑर्बिट में जंप करे तो इसे हम फंड सीरीज़ का नाम देते हैं सो so, अगर हम लोगों ने जिस तरह से देखना है इन सीरीज़ को हम इसके स्पेक्ट्रल लाइंस को ऑब्जर्व करेंगे और ये देखेंगे कि किस ऑर्बिट में ये जंप कर रहा है उसके हिसाब से हम डिटेक्ट करते हैं कि ये कौन सी सीरीज़ के बारे में डिस्कशन हो रहा है या फिर सीरीज़ की मदद से हम ये देख सकते हैं कि कौन से ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन जो है पहुंचा है बाय रिलीजिंग द एनर्जी वेदर इट इज द फर्स्ट ऑर्बिट वेदर इट इज़ द सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ऑर्बिट फ्राम द हायर ऑर्बिट्स सो दिस वॉज ऑल माई लेक्चर अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसमें हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डिफरेंट लाइंस के बारे में देखा जो कि रिलीज़ होती हैं उसके अलावा हमने ये देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल के किस तरह से बोहर मॉडल भी इस स्पेक्ट्रम को यू कैन से सपोर्ट करता है इवन दो दिस स्पेक्ट्रम वाज डिवेलप बिफोर द डिस्कवरी ऑफ बोहर्स मॉडल डिस्कवरी से पहले ये जो डिफरेंट सीरीज थी डिफरेंट स्पेक्ट्रम बन रहे थे दोस् पीपल कुड नॉट एक्सप्लेन इट वो इसको एक्सप्लेन नहीं थे कर सकते दे कुड नॉट फाइंड द रीज़न द लॉजिकल रीज़न बिहाइंड दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम बट आफ्टर बोहर्स मॉडल उसको जब बेसिस बना के स्टडी किया गया तो देन दे कुड फाइनली आंसर के वट वॉज द रीज़न बिहाइंड दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम वट वॉज द रीज़न बिहाइंड दिस सीरीज सो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ चाहिए हो अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आई एम वीडियो। टिल अल्लाह अल्लाज